सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास में ये वेन्यू आई है जिसकी लाइन देख सकते हैं आप, ये यहाँ से डैमेज हो चुकी है, तो ये लाइन पूरी आउट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे डेंट आ चुके हैं जिसके कारण ये स्क्रेचेस नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ से आप नीचे की साइड से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा डेंट आ चुका है जिसकी ये लाइन पूरी आउट हो चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो यहाँ से ये हम डेंट किस प्रकार से निकालेंगे इसका सारा प्रोसेस हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। और देखिए किस प्रकार से ये जो होती है ये ओरिजिनल तरीके से होगी तो इसमें गाड़ी की फिनिशिंग भी अच्छी आती है और क्वालिटी भी अच्छी रहती है, गाड़ी में ओरिजिनलिटी नज़र आती है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये साइड पोस्टर से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर इतना बड़ा डेंट आ चुका है जो ये कलर शाइनिंग के हिसाब से यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ साइड पोस्ट से ये लाइन पूरी अंदर जा चुकी है, और यहाँ ऊपर से ये देख सकते हैं ये पूरा राउंड हो चुका है डेंट में। तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे सारा प्रोसेस हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेंट है जिसके कारण स्क्रेचेस आ चुके हैं। तो अब हम आपको दिखा देते हैं ये डोर को, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे डैमेज है तो इसको भी हम ठीक कर लेंगे। तो प्लाई को ओपन करने के लिए कहाँ से बोल्ट खोला जाता है वो सारा प्रोसेस हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। हमारे कई भाई के कॉमेंट्स देखे हम जो प्लाई खोलते हैं किस प्रकार से खोला जाता है, तो हम हर एक गाड़ी के अकॉर्डिंग आप सब में बताएंगे आपको कि किस प्रकार से ओपन किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लॉक बना हुआ है, उसको पेचकस की मदद से खोल लेंगे ताकि हमें स्क्रू सामने नज़र आ सके। ये पूरी प्लाई में सिर्फ एक ही स्क्रू होता है जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये सामने की साइड में एक स्क्रू है, इसको हम खोलते ही ये प्लाई बाहर निकल जाएगी, और किस प्रकार से इसको निकाला जाता है वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ से हम पेचकस की मदद से इसको पहले स्क्रू को हम खोल लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जो भी वीडियो लेके आए हैं आपके पास तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और आप कई भाई हमारे के कमेंट्स आते हैं कि हम वहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो उनका तहे दिल से इस्तकबाल है कि हमारी वो वीडियो बहुत शेर से देख रहे हैं और हमारे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए भी हैं, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ से स्क्रू खोल लिया इसका, तो इसको बाहर निकालने के बाद यहाँ के नीचे की साइड में देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस रहता है, वहाँ पेचकस मदद लगा के इसको हम पुश करते ही ये बाहर निकल जाता है। और कई भाई क्या करते हैं इसको प्लाई को डायरेक्टली खींच लेते हैं जिसके कारण क्या होता है प्लाई के लॉक टूट जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पेचकस लगा के इसको प्लाई को ओपन कर लिया है, वो देखिए इसको किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ से कॉर्नर की साइड से इसको ऊपर करेंगे हम ताकि ये अच्छे तरीके से निकल जाए। और देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि ये लॉक किस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ पे ये छोटा सा लॉक बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा पुश कर लेते हैं और ये इजी वे बाहर निकल गया है। और यहाँ से हम इसकी जो विंडो केबल है यहाँ से इसको पुश कर देते हैं, ये भी बाहर निकल गया, और ये हमारी प्लाई बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अब इसमें हम देखिए किस प्रकार से डेंट निकालेंगे वो सारा प्रोसेस दिखाते थे हम। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ की जो बाहर की जो डेंट है तो हम इसको पॉलीथीन को ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें डेंटिंग निकालने के लिए आसानी रहे और हमें स्पेस नज़र आ सके। कई भाई क्या करते हैं अगर स्पेस नहीं मिलने के कारण वो क्या करते हैं कि कहीं से भी बॉडी को अंदर से कट कर देते हैं, जिसके कारण वो जब भी बॉडी सेल करते हैं तो ओरिजिनलिटी खराब लगती है। तो इसलिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं या किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं हम बॉडी कहीं से भी कट नहीं करते हैं, उसकी जो ओरिजिनल शेप रहती वही हम रखते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में अंदर की साइड में जो डेंट है वो अंदर की साइड से नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ से एक काम शुरू कर लेते हैं। तो डेंट का काम हमने शुरू करने से पहले आपको दिखा देते हैं ये लाइन पूरी आउट हो चुकी है तो इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए कई भाई के कमेंट्स थे कि हम जो बनाते हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाती है, तो देखिए हमने हैंडमेड से हमने खुद ने ये औज़ार बनाया है और हम इसको इस प्रकार से इसको एक अच्छी तरह से लाइन शेप से हम प्रॉपर मिला के इसकी लाइन पूरी एकदम क्लियर बना लेंगे। लाइन क्लियर होने के बाद में इसका डेंट निकाले ताकि अच्छे तरीके से जो डेंट औजार चलते हैं तो वो प्रॉपरली डेंट निकलते रहे। अगर आप पेन से या किसी मार्क से उस निशान लगाते हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, वो थोड़ा बहुत तिरछा रह जाता है, इसलिए वो लाइन शेप प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो देखिए हमने यहाँ से इसको मार्क कर लिया है, अब इसको हम औजार की मदद से पूरी लाइन एक ही साथ में खींच लेंगे और जो प्रॉपर तरीके से होती है लाइन एकदम प्रॉपर बनेगी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो यहाँ से देखिए हमने जहाँ जहाँ से इसको मार्क किया है वहाँ पे एकदम अच्छे से लाइन नज़र आ रही है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये लैंडमार्क अच्छे से कर लिया है, अब हमें डेंटिंग निकालने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी कि लाइन हमारी अच्छे से क्लियर मिल चुकी है। तो हम इसका डेंट भी निकाल लेते हैं। इस
औजार को किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी हमने वीडियो डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ये वीडियो मिल जाएगी आपको। तो हम आपको दिखा देते हैं पहले कि जो लाइन बनाई है एकदम क्लियर बनी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर जो लाइन के ऊपर है वहीं से ही मार्क हुआ है, तो हमें डेंटिंग निकालने में आसानी होती है। तो ये देखिए जहाँ पे निशान नहीं रहता है लाइन का, तो वहाँ पे देखिए डेंट पड़ने के कारण नज़र नहीं आता, इसलिए हमने इसको अच्छे से मार्क कर लिया है ताकि हमें डेंटिंग निकालने में आसानी रहे। तो हमने यहाँ से डेंट निकालना शुरू कर लिया है और कई भाई के कमेंट से कि हम जो गाड़ी का काम करवाते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, तो आप किसी एक्सपर्ट द्वारा ही काम करवाएं आप। और सबसे पहले हम ये रिकमेंड करना चाहेंगे आप पहले जिस भाई से भी काम कराना चाहते हैं वहाँ जाके उनके काम देखें पहले कि किस प्रकार से वो काम करते हैं और उनकी गाड़ी तैयार हुई भी रहती है, वो कैसी तैयार होती है, उसके बाद में ही आपकी अपनी गाड़ी का काम करवाएं आप, ताकि आपकी गाड़ी के एकदम ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। कई भाई क्या करते हैं कि जो पेमेंट होता है उससे कई बार क्या होता है कि कस्टमर को ज़्यादा लगता है, बाकी जो पैसे ज़्यादा होता है वही काम की ओरिजिनलिटी समझते हैं। तो आप हमेशा पैसे का नहीं रखें और आप हमेशा अच्छी तरीके से ही गाड़ी का काम करवाएं, ताकि गाड़ी की ओरिजिनलिटी बरकरार रहे, जब भी आप सेल करें तो उसमें पैसा अच्छे तरीके से मिल जाए। आप देखिए हमने औजार से डेंट निकालना शुरू कर दिया और लाइन जो है वो प्रॉपर ओरिजिनल तरीके से आ रही हमारे, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, हम जो लाइन शेप मिलाते हैं प्रॉपर एकदम मिलाते हैं एकदम गेप टू गेप, कहीं से भी जो ओरिजिनलिटी रहती है वही हम बरकरार रखते हैं, कहीं से भी गाड़ी कट छट नहीं करते हैं। कई भाई क्या करते हैं जहाँ पर स्पेस नहीं रहता तो उसको कट कर लेते हैं फिर उसको वेल्ड करते हैं, जिसके कारण बहुत ही बेकार प्रोसेस हो जाता है। हमारे यहाँ कोई भी वीडियो देख सकते हैं एकदम ओरिजिनल तरीके से कार्य किया जाता है, जो लाइन शेप जो कंपनी देती है उसी अकॉर्डिंग हम काम करते हैं ताकि गाड़ी की ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। तो देखिए हमने यहाँ से डेंट निकालना शुरू कर लिया है और लाइन देख सकते हैं आप वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से बन रही है। कई भाई के कमेंट्स थे कि हमारे जो फाइल चलाते हैं उसमें हाथ में बहुत आइटन पड़ जाती है, तो क्यों पड़ जाती है? देखिए हमने एक कपड़ा लगा के उसके ऊपर टेप लगा ली है ताकि हमारे हाथ में आइटन ना पड़े और किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। तो हम देखिए डेंट निकाल रहे हैं, अच्छी तरीके से इसको डेंट निकाल लेते हैं। और आप हमारी कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें पता चलना चाहिए कि आप हमारी वीडियो को कहाँ तक देख चुके हैं, को कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेट मिले कि हमारी वीडियो वहाँ तक वायरल हो रही है। तो ये देखिए लाइन अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब ये जो छोटे बड़े डेंट हैं अब इसको हम निकालेंगे ताकि लाइन एकदम अच्छे से क्लियर रहे और लाइन ख़राब ना हो, इसलिए हम सबसे पहले लाइन ही बनाते हैं। कई भाई के कमेंट थे कि हम जो डेंट निकालते हैं उसके बाद में वो लहर वगैरह क्यों रह जाती है, तो इस अकॉर्डिंग रहती है कि वो लाइन अच्छे से नहीं बनाते हैं और फिर उसको डेंट निकाल लेते हैं, फिर उसमें बहुत सारी हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। और कई भाई क्या करते हैं बहुत सारे स्पॉट लगाते हैं, आप हमारी कोई भी वीडियो उठा देख के देख सकते हैं, हम बहुत ही कम तरीके से स्पॉट लगाते हैं क्योंकि हम जो काम करते हैं वो एकदम ओरिजिनल तरीके से करते हैं। कई भाई क्या करते हैं जैसे ये डेंट पड़ा हुआ है तो अंदर के साइड से उसको लग की मदद से हथौड़े की मदद से उसको प्रेस करते रहते हैं, बार बार प्रेस करने से कारण क्या होता है चादर बढ़ जाती है, फिर उसको स्पॉट लगा लगा के कम किया जाता है, जो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर उसमें क्या होता है टाइम ज़्यादा लग जाता है, और हम जो कार्य करते हैं वो एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और एकदम ओरिजिनल तरीके से दिखाते हैं किस प्रकार से कार्य होना चाहिए, तो एकदम जल्दी तरीके से हो जाता है। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाता है, किसी भी प्रकार का कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता हमारे पास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से क्लियर हो रहा है डेंट।
तो ये देखिए हमने अच्छे से डेंट अच्छे से क्लियर कर लिया, आपको दिखा देते हैं वीडियो में। तो यहाँ से जो ओरिजिनल शेप की जो लाइन शेप है वो प्रॉपर एकदम तरीके से बन चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं लाइन जो ओरिजिनल है वो एकदम ओरिजिनल तरीके से आई है, किसी भी प्रकार की कोई भी आउट लाइन नहीं है, एकदम प्रॉपर जो कंपनी की रहती है वही राउंड शेप इसमें आया है। तो यहाँ से जो बड़ा डेंट था वो भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, आप साइड फेस से देख सकते हैं एकदम जो ओरिजिनल तरीके से है वही प्रकार की ये डेंट निकली है, और लाइन भी एकदम अच्छी तरीके से बनी है, किसी भी प्रकार के कहीं डैमेज नहीं है, हमने पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया है। डेंट निकालने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है इसलिए हमने आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखाया है। तो यहाँ से ऊपर की साइड से भी था जो डेंट, हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब इसका हम पेंट होने के बाद का भी प्रोसेस दिखाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है ताकि हमें जो जो छोटे बड़े जो भी डेंट रहते हैं, जैसे क्या होता है कि हम डेंट निकालते समय क्या एक थोड़ी सी पपड़ी रह जाती है जिसके कारण पेंटर भाई पुट्टी भर देते हैं, फिर पेंट हो जाता है, तो जिसके कारण क्या हुआ कुछ समय बाद में वो पपड़ी देने लग जाता है, वो किस प्रकार से देने लग जाता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डेंट निकालने के बाद आप अगर इसको स्क्रब कर ले या ग्राइंड कर ले तो उससे क्या होता है कि अच्छे तरीके से ओरिजिनलिटी हो जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने ये कलर करा लिया है, आप छोटी वाली वीडियो में देख सकते हैं कितना डैमेज था, और नीचे की साइड से आप वीडियो में देख सकते हैं एकदम जो ओरिजिनल तरीके से जो शेप रहता है वही इसी प्रकार में इसमें ओरिजिनल तरीके से है, जो लाइन कंपनी की है वही इसमें नज़र आ रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और कलर की क्वालिटी की आप बात कीजिए तो देखिए हमारा जो हाथ है वो अंदर प्रॉपर नज़र आ रहा है, और जो लाइन शेप है वो भी अच्छे से क्लियर नज़र आ रही है। यहाँ पे जो बड़ा डेंट था आप छोटी वाली वीडियो में देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेंट था, वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, अब ये एकदम ओरिजिनल तरीके से नज़र आ रही है वीडियो में। तो ये काम हमने आपके सामने किया है और एकदम ओरिजिनल तरीके से किया है, किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं है, आप देख सकते हैं कि हमारी जो हाथ की जो लाइन से दिख रही है वो एकदम प्रॉपर नज़र आ रही है, किसी भी प्रकार की आउट नहीं है, जैसे कि आप छोटी वाली वीडियो में देख सकते हैं कितना डैमेज था। तो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया इसका डेंट और इसको कट कहीं से भी हमने नहीं किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूले, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों ताकि उनको पता चलना चाहिए गाड़ी का काम किस प्रकार से किया जाता है, ताकि उनकी गाड़ी की भी ओरिजिनलिटी बरकरार रहे। तो ये पूरे गाड़ी का प्रोसेस हमने आपको वीडियो में दिखाया है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।